खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करेंगे कोट अदू का। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एनजीओ मेडिकल सोशल वेलफेयर बैतुलमार और सिविल सोसाइटी नेटवर्क कोट अदू के जेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। मजीद तफसीला जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर बाकर हुसैन से। प्लांटेशन की एक्टिविटी की गई, हमारा मकसद था जो वज़ीर आज़म साहब के विजन को आगे लेके जाना ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, इस लिहाज से आज तकरीबन कोटोदू में आर्गेनाइजेशन के तआवुन के साथ 300 के करीब दरख्त लगाए गए। और आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि उस वक्त एक कौम को मुल्क की ज़रूरत थी और आज इस मुल्क को कौम की ज़रूरत है। क्योंकि सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन ने महकमा सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर एक कंपेन लॉन्च की है कि सरसब्ज पाकिस्तान के आए सारे मिलकर एक पौधा लगाएं ताकि हम इस अपने इकोसिस्टम को बचाएं, अपने माहौल को बचाएं और इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आए सब मिलकर एक पौधा लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम है और पाकिस्तान में भी ये मसला दरपेश है और जिस तरह हमारे यहाँ फैक्ट्रीज और थर्मल पावर और इस टाइप के जो पॉल्यूशन फैलाने वाले इदारे हैं तो वो उससे इलाके में पॉल्यूशन फैल रही है और उसको काउंटर करने के लिए ये पौधे बहुत ज़रूरी हैं। और मैं पूरे पाकिस्तान और कोटेदू के दोस्तों से कहूँगा कि हर कोई अपने हिस्से का पौधा लगाए। उनके क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन के मुताबिक जो है 300 के करीब पौधे जो है THQ हॉस्पिटल कोटेदू में और कोटेदू में मौजूद नहर पर लगाए गए हैं। हमारा ये नारा है कि मुल्क सरसब्ज़ होगा तो इंशाअल्लाह ताला आज़ादी का भी फिर मज़ा आएगा। हमारी तरफ से सिविल सोसाइटी नेटवर्क की तरफ से अहलियान वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एनजीओज मेडिकल सोशल बैतुलमाल और सोल सोसाइटी नेटवर्क कोटेदू के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया और आगाही वाक की गई जिसमें काली पुल नहर किनारे THQ अस्पताल कोटेदू में पौधे लगाए गए और अस्पताल में बच्चों में जूसेस और मिठाई तकसीम की गई। कैमरामैन शौकत अली बलोच के साथ बाकिर हुसैन, CT5 न्यूज़ कोटेदू।